तो एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर। आज हमारी कवरेज जारी रहेगी। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, एके मिश्रा जी और सूर्य प्रकाश जी। एके मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप करिए अपनी बात पूरी। देखिए, बात यह है, आप लोग राजनीति करिए, सारी पार्टी के नेताओं से बोल रहा हूँ, कम से कम एक चीज पे तो रहिए, जहाँ जन्म और मृत्यु की बात होती है। मैं स्मृति ईरानी जी से प्रश्न पूछता हूँ, आप वहीं पे हो, आपकी पूरी टीम लगी है अमेठी में, बीजेपी की सबसे ज्यादा टीम बीजेपी की लगी है, और पेशेंट मर गया, आप वहाँ पे उसके पास नहीं गए, आपको पता नहीं चला। वैसे तो अमेठी की चप्पे चप्पे की जानकारी है कि यहाँ ईंट टूटी है, यहाँ नाली नहीं है, पेशेंट मर गया, और मर जाने के बाद आप उसका प्रेजेंटेशन ऐसे कर, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो कि सास बहू वाले सीरियल का आप डायलॉग की डिलीवरी कर रहे हो कि राहुल गांधी के हॉस्पिटल में ये मर गया, पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हो, सरकार आपकी है यूपी में, सेंटर में आपकी है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, उस डॉक्टर को पकड़ के जेल क्यों नहीं भेजा गया साहब, जब वोट इन कैश कर लोगे उसके बाद लोगे एक्शन, क्यों नहीं लिया, राहुल गांधी के हॉस्पिटल को क्यों बचा रहे हो आप लोग, इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई, यहां पे 8 बजे की तरह नोटबंदी जैसे होती थी, अभी स्मृति ईरानी डिक्लेयर कर रही है मीडिया के सामने आके, साहब आप चुनाव जीतिए, मेरी आप लोगों से विनती है, लेकिन किसी की जन्म और मृत्यु पे इतनी बड़ी पॉलिटिक्स तो ना करिए कि कफन को भी आप लोग जो है आज मुद्दा बना रहे हैं। एक आदमी मर गया, उसको इलाज, उसको दवा मिलना जरूरी है कि उसको प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड मिलना, कागज का पुलिंदा मिलना जरूरी है, और राहुल गांधी के हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये मोदी जी का हॉस्पिटल नहीं है, ये राहुल गांधी का हॉस्पिटल है, तो अब आप लोग इतने हो जाएंगे कि कोई मरता रहेगा और इस तरीके से करेंगे कि तुमने हमें वोट दिया, ये उनके हैं, वो उनके हैं, इसके लिए इलाज भी नहीं मिलेगा, आदमी मर जाएगा। दोनों पार्टियों के लिए मैं बोलता हूँ, लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना ये है। हम मर्यादित तरीके से भारत की जो 5000 साल की संस्कृति है, इसीलिए मैंने सुसेन वैद्य का उदाहरण दिया था, उन्होंने अपने दुश्मन के आदमी यानी लक्ष्मण जी की भी सेवा की थी, उनकी जान बचाई थी। जो मोरलिटी की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कहाँ गई आप लोगों की मोरलिटी साहब, इतने मशगूल हो गए आप लोग पॉलिटिक्स में कि अब जनता की, गरीब जनता की जान को दांव पे लगा देंगे चुनाव जीतने के लिए। जी, बातें बड़ी बड़ी होंगी टीवी पे। जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोई मुद्दा नहीं बता, एक्रीडिएशन, आपके तमाम वो रूल्स जिनके जरिए आप इसकी मान्यता खारिज कर सकते हैं, कुछ एक्शन तो बताते। स्मृति ईरानी आती, ये कहती कि ऐसा हुआ है, अब देखिए इस अस्पताल के साथ कैसा होगा, तो फिर मजा आता सुनने में। अगर खामखा इमोशनल ब्लैक ब्लैकमेल करके चुनाव वाले दिन, बहुत एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। जी देखिए, आज वोटिंग का डे है, ठीक है, और आज पता चला ये इंसिडेंट, आज कोई एक्शन नहीं होगा, आज वोट दो। अरे सर सुन तो लीजिए, कहीं आग लग जाए तो आज फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगी, आज वोट दो। सुनेंगे, अरे साहब मुझे बोलने तो देंगे आप, मेरी आवाज तो मत दबाइए, मैं तो, अरे साहब उसकी जान को दबा दिया आप दोनों ने, गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी की जान को दबा दिया आप लोगों ने, भारत के स्वर्ग से आते हैं जो गरीब है, हमारी आवाज तो मत दबाइए हम लोग, आप अमीर हैं इसलिए आपकी आवाज न दबाए, सक्षम परिवार, गरीब आदमी की जान दब जाए वो मंजूर है। बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे क्या सुने सर, मेरी बात सुनिए। देखिए अभी जो ये मौत हुई है, पहले तो मेरी बहुत संवेदनाएं हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का, पूरा भारत का परिवार, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस परिवार के साथ हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि चप्पे चप्पे पे भाजपा का कार्यकर्ता वहां पे लगा हुआ है, तो अमेठी के अंदर पिछले 5 साल से स्मृति ईरानी जी काम कर रही हैं। भाई अपने और पन्ना प्रमुख को बोल दिया करो ना कि ये भी रिसर्च कर लिया करे, फोन कर रहा है। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मौत हुई एक ऐसे हॉस्पिटल में हुई जिस हॉस्पिटल का चेयरमैन ट्रस्टी इस देश के अंदर पिछले 50-60 साल से राज करने वाले एक परिवार से आते हैं, और वहां पर किस कारण से, जिन्होंने सिस्टम को चलाया, किस कारण से उस मौत हुई, मौत यह हुई कि भैया प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का जो गरीबों के लिए, स्पेशली सिर्फ गरीबों के लिए जो कार्ड है, उस कार्ड को बनाया गया, एक्सप्लेनेशन भी पॉलिटिकल, सुन लीजिए। अरे सर मेरी बात तो सुनेंगे आप, कि आयुष्मान कार्ड को बनाया गया उसको देखकर अपने देश में ही नहीं है, इस कार्ड, इस कार्ड को, इस कार्ड के नाम पे तुम्हारा इलाज नहीं होगा, मतलब आप ये सोचिए कि गांधी परिवार की ये सोच है कि गरीब आदमी के लिए यदि कोई योजना
लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है तो उस योजना का लाभ वो गरीब आदमी को नहीं दिया जाएगा। इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है परिवार का। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सपा के मेरे मित्र से विनय जी से, जो विनय जी बोल रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करना नहीं चाहते। अरे सर, पहली बात, प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों इलाज करेंगे किसी गरीब आदमी का? वो करोड़ों रुपया लगाते हैं, महंगी महंगी मशीनें, आप जैसे बड़े बड़े सरमायेदार पार्टी के लोगों के काले धन को फाइनेंस करके भी उनको एथराइज क्यों बन जाता है। उसके बाद फिर उस गरीब आदमी का वहां पे क्या काम? लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का ही एक दिग सपना है कि किसी भी देश के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हर एक गरीब आदमी का इलाज होगा, उसको इलाज का पूरा हक है। और उस योजना को यदि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मना करेगा तो उसका जवाब उसको मिलेगा, उसकी मान्यता को रद्द करके मिलेगा। और दूसरी बात, आपके गठबंधन के लिए बोलना चाहता हूं, बुआ बबुआ का गठबंधन उत्तर प्रदेश में फेल हो चुका है। नहीं, आप ये बात बाद में, पहले जवाब देते हैं विनय जी का जवाब। जी विनय जी बोलिए आप। देखिए भाई साहब, अभी कह रहे थे ना कि वहां पर जो मृत्यु हुआ, पहले तो मैं उस जो भी व्यक्ति मरा उसके प्रति मैं पूरी अपनी संवेदना पार्टी के तरफ से व्यक्त करता हूँ जी। दूसरी भी तो इन्होंने कहा कि वह ट्रस्टी है राहुल गांधी जी, उनके हॉस्पिटल में मरा, इसलिए पूरी जिम्मेदारी उनकी जाती है। 47 सैनिक शहीद हुए, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया? अगर वह ट्रस्टी थे, वह उनको पूरी जिम्मेदारी जानी चाहिए थी। तो इस भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे जो जानते थे इंटेलिजेंस के द्वारा कि इन सैनिकों को अगर एयरलिफ्ट के द्वारा नहीं ले जाया जाएगा तो कोई घटना हो सकती है। उनको बेड़े के साथ भेजा गया, 47 लोग शहीद हुए। उसके बाद एक सवाल मेरा पहले आपसे है जब जी विनय जी, सवाल यह है मेरा आपसे, आप हर बात को फिर वहीं ले जाते हैं, फिर 3 महीने पीछे चले जाते हैं। आज की एक दुखद घटना आपको बताई गई, स्मृति ईरानी ने इसका जिक्र किया, चाहे वो सियासी पर्पस से किया हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह बताइए कि एक आयुष्मान कार्ड लेकर एक मरीज अगर पहुंचता है किसी अस्पताल में जिसका ट्रस्टीशिप या ट्रस्टी राहुल गांधी भी होते हैं, देश की सबसे बड़ी सियासी हैसियत रखने वाले, समाज कल्याण की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न्याय योजना की बातें करते हैं कि इस बार आएंगे तो न्याय होगा सबके साथ, अभी शुरुआती ट्रेलर में न्याय नहीं हुआ, नहीं, उसकी मौत हो गई। मैं आपसे नजरिया जानना चाहूंगा, आप उस अस्पताल उसके ट्रस्टी राहुल गांधी के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, पहले ये साफ कीजिए। इस पर जांच होनी चाहिए, जिस पर जांच होनी चाहिए, किसकी लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हमारे बीजेपी प्रवक्ता जो मित्र हैं, उन्होंने कहा केवल ट्रस्टी होने के वजह से उनको आप क्लेम करते हैं, तो आखिर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तो थे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, तो जरूर उनसे सवाल लीजिएगा, और मैं उन्हें डिफेंड करने नहीं बैठा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक शख्स इतनी बड़ी हैसियत का शख्स जो ट्रस्टी है उस हॉस्पिटल का, आयुष्मान कार्ड कोई लेके जाता है और वहां पर उसकी मौत हो जाती है, इलाज देने से मना कर दिया जाता है, आप उसे वॉकओवर क्यों देना चाहते हैं? आप सीधे अटैक बीजेपी पर क्यों कर रहे हैं? पहले खुलकर अपनी राय तो रखिए। इनकी सरकार है, उस पर जांच होनी चाहिए, अगर जांच में कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी सरकार है तो जांच नहीं होनी चाहिए। करें, ये 5 साल सत्ता में आए, बाड्रा को जेल भेजते हुए आज तक जेल नहीं भेज पाए, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये कार्य करने में असमर्थ है। इनके पास अरे सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी तरह है। आपको एक बात बताया था छोटी सी, आप मेरी बात सुनिएगा विनय जी, जो आपने बात बोला, आपकी बातों से पूरा देश देख रहा है कि आप किस प्रकार से किसी गरीब की मृत्यु के ऊपर किस तरह के से संवेदनहीन बातें कर रहे हैं। आपने कहा जांच होनी चाहिए, आपने भर्त्सना नहीं की, आप केवल और केवल उत्तर प्रदेश में भी जो मैंने पहले ही टीम का जो मैंने पहले ही कहा पूरा देश देख रहा है। दूसरी चीज, ये वो सैफई महोत्सव वाला सरकार नहीं है जो कि सैफई महोत्सव में 1,000 करोड़ रुपया खर्च करवाती है। याद रखिएगा, ये वो सरकार है कि गरीब आदमी के संग यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होगी या गलत होगा तो उसका जवाब डंके की चोट पे दिया जाएगा। माननीय योगी जी, इसको जरूर हर
हाल में संज्ञान लेंगे और यदि इसमें यह सच है कि वो मारा गए हैं केवल और केवल इस कारण से, इस नेग्लिजेंसी से, तो राहुल गांधी के हॉस्पिटल की भी हम मान्यता रद्द कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए, 23 तारीख को पार्टी की सरकार जी। सूर्य प्रकाश जी 2 मिनट रुकिए, जरा देखिएगा, 2 मिनट रुकिए विनय जी, रुकिए आप। और रही बात जो प्रधानमंत्री जी की बोल रहे हैं कि 47 लोग मारेगा, अरे सर आप ये सोचिए, आपको सोचना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को हम लोगों ने वापस लेके आए। आप बात करते हैं, आपके नेताजी की बात करता हूँ, आप महिलाओं के ऊपर बात करते हैं, आप नेताजी बोलते हैं, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई सूर्य प्रकाश जी, लड़कों से गलती जाती है, ये भी जवाब लेंगे विनय से, विनय जी से ये भी जवाब लेंगे। छोड़िए सर, आपका बोलने का हक भी नहीं है। अब लगा दिया, अब जवाब तो देने, इतने इल्जाम लगा दिए, आपने हक भी नहीं है, दर्ज में इल्जाम लगा दिए, आप देश के नारी शक्ति, आप उस दर्ज में इल्जाम लगा दिए विनय जी, विनय जी को बोलने तो दीजिए, सूर्य प्रकाश जी 2 मिनट, दर्जनों इल्जाम लगा दिए। हाँ विनय जी बोलिए, आप एके मिश्रा जी आप भी बोलिएगा, तो कुछ नहीं बता पाएंगे। जो व्यक्ति अमेठी में मरा है, जो व्यक्ति अमेठी में मरा, इस सुंदर भारत के गुलदस्ते का एक पुष्प था, उसके जाने का बहुत दर्द है। यह भारत दिख रहा है आपकी बातों में, अरे छोड़िए सर, दिख रहा है आज अमेठी के अंदर आप लोगों ने अपना गठबंधन उम्मीदवार नहीं उतारा, आपको आप किस 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 दर्द की बात करते हैं आप लोग, आप सीधा सीधा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आप भी इस हत्या के साथ साथ बिल्कुल जिम्मेदार हैं, आप भी इस हत्या में राहुल गांधी के साथ साथ। सूर्य प्रकाश जी, आसिफ हमारे संवाददाता, जहाँ की ये चर्चा चली है, जहाँ से माहौल स्टूडियो का गर्म हुआ है, सीधे वहीं का रुख करते हैं। अरे सूर्य प्रकाश जी अमेठी का रुख करने दीजिए, अमेठी का रुख करने दीजिए, वहां से हमारे संवाददाता हैं, कोई हकीकत उनसे भी जानते हैं। चलिए आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेठी से। आसिफ आपसे ये जानना चाहेंगे, स्टूडियो का माहौल जो है वो गर्म हो रखा है और वजह बिल्कुल साफ है, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से कैमरे पर आकर आज एक हॉस्पिटल का जिक्र किया, आज एक शख्स का जिक्र किया जो कि मरीज था, आज उसकी मौत हो गई, ट्रस्टी उनके राहुल गांधी हॉस्पिटल के बताए जा रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है, क्या इस बारे में इंक्वायरी, कोई हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन जारी है कि नहीं? जी आसिफ, मुझे बोलने दीजिए जरा, इस मुद्दे का पोस्टमार्टम करने दीजिए, ये जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, माननीय व्यक्ति। चलिए आसिफ की आवाज पहुंच नहीं पा रही, आसिफ दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे, और ये माननीय लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जरा सुनिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं कहां, SGPGI में, इन माननीय लोगों को छींक आ जाए तो एम्स हिल जाता है। मैं बोलना ये चाहता हूं ना कि जितनी ऐसी बेसिक योजनाएं हैं, सबसे पहले इन माननीय लोगों के ऊपर लागू किया जाए कि सारे नेताओं का इलाज केवल आयुष्मान कार्ड से होगा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा इंप्लीमेंटेशन क्या होगा। मुझे लगता है स्मृति ईरानी जब वो कैमरा देखती है ना, तो उन्होंने कैमरा देखा तो उनको अपना पुराना जमाना याद आ गया, उनको बोलना कुछ और था, और बोल दिया उन्होंने डायलॉग समझ के कि भाई ये शूटिंग हो रही है, क्योंकि सास भी कभी बहु थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी कभी कांग्रेस का था, ये देखिए ये आदमी का हॉस्पिटल कांग्रेस का था नहीं सर, वहाँ पर गरीब आदमी मारा जा रहा है, कांग्रेस के हॉस्पिटल में गरीब आदमी मारा जाता है, साथ नहीं आ रही है, सपा और बसपा एक आदमी के जान की बात है, सपोर्ट करता है, समझिए आप क्या बोलेंगे, आपके साथ गरीब आदमी की आवाज भारतीय जनता पार्टी है, और अगली बार मोदी जी 400 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, और गरीब आदमी का जो हम सम्मान और विकास कर रहे हैं वो नहीं, बेचने वाले लोग आप लोगों ने, देश को बेचने वाले लोग हैं, सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी आपसे सवाल मेरा ये है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे इस बार 400 सीटों के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो बनेंगे तब बनेंगे, आज की जो बात कर रहे हैं इतना दुखद ये सीन सामने आया है। मेरे को ये बताइए कि आपने 50 लाख कार्ड आयुष्मान योजना के भले ही
उन्हें बांट दिया हो लोगों में, आप 5 लाख बना दीजिए, 50 लाख बना दीजिए, 5 करोड़ बनवा दीजिए, अस्पतालों में इलाज जब तक सुनिश्चित नहीं होगा तब तक उसका फायदा क्या है? महज एक टिकट भर है जिसे देखकर वापस लौटा दिया जाता है आपको, तो ये सुनिश्चित कौन करेगा? देखिए सारे योजनाएं इनके फ्रॉड है, इनको सुन लीजिए, इनके फ्रॉड योजनाएं है सारे। अच्छा, इनके फ्रॉड है सर, बिल्कुल फ्रॉडों को फ्रॉड ही नजर आता है, चोरों को सब सारे फ्रॉड है, पता है हमको सर, आप कितने बड़े ईमानदार हैं, कितने बड़े भक्त हैं, सुनिए, पता है हमको सर, छोड़ दीजिए, बच्चों से गलती हो जाती है, अरे डिंपल यादव जी बाहर नहीं निकलती है, उनके हाथ की घड़ी गायब हो जाती है, सब पता है सर, आपका कल्चर क्या है, छोड़ दीजिए इन चीजों को, हम हाथ जोड़ते हैं, हम माफी मांगते हैं सर, हम आपके बराबर नहीं खड़े हो सकते, आप जुड़वा लीजिए हमसे, छोड़िए सर, हम तो आपको बहुत समझते हैं कि देश की जनता आप लोगों को जवाब देने वाली है, आप लोग जिस प्रकार से जुड़ गए हैं ना जाकर बबुआ और बुआ, वो सब साफ हो जाएगा, 23 तारीख को पढ़ जाएगा आप लोगों को, कभी बहुत ही सीरियल की डायलॉग बोल रही थी, एक ये लोग है कोई ऐसी पीजीआई में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और देश की जनता मरी जा रही है, पीडीपी के साथ आप कैसे जुड़े हो सब पता है, आप बताइए नहीं, देश की जनता को सब पता है। चलिए विनय जी, आप बोलते रहिएगा, अपना जवाब पूरा करते रहिएगा जी। विनय जी देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत हमारा एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है, जहां पर कई धर्म कई जात के लोग, हम लोग जब 2 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हमारे हमारे देश में पहनावा और बोलचाल का स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारा हमारा देश इन्हीं सब को मिला करके आज पूरे विश्व में जाना जाता है। नहीं जी, कल्चरल डिबेट नहीं है ये, आप पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उस सफाई में कुछ कहना चाहते तो कहें। अरे इनके पास जवाब है पठाने साहब, आप बताइए जवाब है इनके पास में, इस गरीब की हत्या में ये भी बराबर के शरीक है, अमेठी के अंदर वॉकओवर कर देते हैं, हम लोग वहां सामने खड़े हैं और अमेठी में इस बार हम गांधी परिवार को उखाड़ के फेंक देंगे, अमेठी की जनता ने तय किया है कि स्मृति ईरानी जी को संसद भेजेगी, इसी कारण राहुल गांधी जी वायनाड भाग गए, राहुल गांधी जी की वहां की जनसभा में पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए, दिखाते हैं बताते हैं क्या बोला जाएगा, मौत नहीं है ये राजनेताओं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा की गई देश के एक नागरिक की हत्या है, यह साधारण मौत नहीं है कि इलाज नहीं मिला मर गया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा एक जनता की एक आदमी की गई हत्या है ये, आप लोग शर्म करिए, एम्स और एसजीपीजीआई में स्वास्थ्य लाभ लेने वालों आप लोग शर्म करिए, पूरी टीम वहां पे बीजेपी की कांग्रेस की पड़ी है और एक आदमी चुनाव के दिन मर गया तो कोई सास भी बहु था समझ के डायलॉग बोल रहा है तो कोई अपने आप को कि पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के वहां काम कर रही है तो उसे मीडिया की पूरी टीम नहीं गली गली के चप्पल से बैठे पन्ना प्रमुख है, क्या सच्चाई किसी को लाठी लेके समाजवादी सामने रखी, लोग पहुंच जाएंगे और इसमें पता नहीं चला, जनता पार्टी गली गली प्रियंका गांधी राहुल गांधी घूमेंगे हर उस आदमी के साथ, उसका पता नहीं चला कि एक आदमी मर रहा है, सबसे पिछड़े वर्ग पे खड़ा है, सबसे पीछे के व्यक्ति का अंत्योदय करना हमारा सौभाग्य है, ये याद रखिएगा और ये हमारे मित्र सपा के जानकारी भी नहीं हो गया ना अंत्योदय, एक आदमी का वोटिंग के दिन अंत्योदय हो गया, तसल्ली मिल गई सपा बसपा कांग्रेस को, हो गया ना अंत्योदय, कौन सा उदय आप चाहते हो, प्रदेश सारे देश देख रहा है कि किस प्रकार से एक गरीब की हत्या इस महाठगबंधन ने की है। चलिए एक मिनट, सूर्यप्रकाश जी के मिश्रा जी, अरे सूर्यप्रकाश जी के मिश्रा जी आदमी की हत्या की है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, रुकिए आप जरा, रुकिए रुकिए रुकिए, गठबंधन के ऊपर है, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी इस महागठबंधन को, क्योंकि वो जान चुकी है कि केवल जवाब छोड़ेंगे नहीं उनको, चलिए चलिए, नो टॉलरेंस, ना भ्रष्टाचार से टॉलरेंस, ना किसी क्रिमिनल से टॉलरेंस, सूर्यप्रकाश जी
सूर्य प्रकाश जी बिल्कुल नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं है। योगी जी भी देखेंगे और मोदी जी भी देखेंगे। सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी, एके मिश्रा साहब, अरे किसी का इंट्रोडक्शन तो करवाने दीजिए। भारत के उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे इस गरीब की मौत आप लोग मत बताइएगा, कौन जिम्मेदार है? सूर्य प्रकाश जी मत बताइएगा, मिश्रा जी, सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी, एक मिनट मेरी तरफ देखिए। आपको लग रहा है कि सारी बातें आपकी वहां तक पहुंच रही हैं? आपको खुद को सुनाई दे रही है सारी बातें, क्योंकि सवाल सबके जहन में, उनसे जवाब एक साथ लेते रहे ना तो फिर बिल्कुल ठीक रहेगा ना। अभी हमारे साथ सदत जाफर, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गई हैं और ज्यादातर सवाल आपके उन्हीं को लेकर हैं, तो अगर आप सवाल उन तक पहुंचाएंगे वो समझ लेंगी कि सवाल क्या कर रहे हैं, तो जवाब आपके बखूबी दे पाएंगी। चलिए आप ही से जुड़ते हैं सदर जाफर साहब, क्योंकि गर्मा गर्म जो चर्चा चल रही है वो इस मुद्दे को लेकर चल रही है कि अमेठी में आज चुनाव है और स्मृति ईरानी आज कैमरे के सामने आई और उन्होंने एक बड़ी दर्द भरी दास्ता बताई। उन्होंने कहा कि अमेठी का ही एक नागरिक राहुल गांधी जी के अस्पताल, जहां पर वो ट्रस्टी है, वहां जाता है आयुष्मान का कार्ड लेकर और उसे इलाज नहीं मिल पाता, लेकिन उससे ज्यादा दर्दनाक ये है कि उसकी मौत भी हो जाती है। इस पर दरअसल लगातार चर्चा जारी है, किसका इसमें खोट है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्रस्टी हैं राहुल गांधी उस अस्पताल के और वो खुद राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, न्याय की वो बात करते हैं, तो न्याय क्या चुनावों में जीतने के बाद ही दिया जाएगा? उससे पहले न्याय नहीं होगा किसी गरीब आदमी के साथ? सीधी सी बात, एक बात यह है कि राहुल गांधी अस्पतालों में जाना, क्या उनकी कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन थी, किस हालात में उनकी मृत्यु हुई, ये अभी क्लियर नहीं है। बीमारी कितनी गंभीर थी, पीजीआई में, केजीएमसी में इस तरह की मौतें होती हैं, उसके लिए आप सरकार को दोषी नहीं करार कर सकते। लेकिन सवाल दरअसल यहाँ ये है कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क कितना नजर आ रहा है वो इन बातों से समझ आता है कि क्योंकि कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का वो दम भर रहा है कि इस बार 400 से पार, इस बार फिर से मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनके बड़े नेता कमलनाथ हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, वो कह रहे हैं हम तो बहुमत पा ही नहीं पाएंगे। हालांकि वो बीजेपी को भी बता रहे कि 160 सीटों से आगे बीजेपी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं वैचारिक या फिर यूं कहें कि सतह पर पूरी तरह से तैयार ना होना, इसकी तैयारी दरअसल समझ आती है। आप क्या कहेंगे सूर्य प्रकाश? पहले मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश ने मूड बना रखा है, ये लहर नहीं है, ये ललकार है, ये लहर नहीं है, ये ललकार है, और फिर मोदी सरकार है और 400 अब की पार है, ये याद रखिएगा। चलिए सदर जाफर जी, आपसे सवाल ये है, सवाल दरअसल चूंकि राजनाथ सिंह बड़े कद्दावर नेता, दूसरे तीसरे नंबर के नेता हैं भाजपा में, ये आपसे जानना चाहूंगा कि इतना दम भर रहे हैं बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, इतना दम भर रहा है कि इस बार 400 पार, इस बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन दूसरी तरफ आपकी अगर बात की जाए तो बड़े से बड़े नेता आपका वो कह रहे हैं कि बहुमत तो हमें नहीं मिलेगा लेकिन गठबंधन की सरकार का हम ही नेतृत्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं पहला आधा मैदान तो आपने पहले ही छोड़ दिया है। देखिए